गाइज़ ये MSI मदरबोर्ड है, इस पर आपको विंडो इंस्टॉल करनी थी तो मैं बता रहा हूँ कैसे करनी है। तो ये अगर आप फर्स्ट आप उसके बायोस पे आएगा तो ऐसा कुछ इंटरफेस होगा, आपको पता है MSI मदरबोर्ड का। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको विंडो इंस्टॉल करना है ना, तो आपको जाना है जैसे यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, राइट। तो एडवांस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, देख लो ढंग से देख लो। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाकर आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन नहीं है, इस पे बूट पे जाना है। बूट पे जाने के बाद आपको ऐसा तो आपको शो नहीं कर रहा होगा, आपको सिर्फ बूट ऑप्शन थर्ड नंबर पे शो कर रहा होगा, और फिर सारे यहाँ पे बूट ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे शो कर रहे होंगे। तो आपको करना क्या, सिर्फ फर्स्ट जो बूट ऑप्शन है ये आपको इस पर क्लिक करके आपको जो आपकी पेन ड्राइव है, आपको जिससे भी आपको विंडो इंस्टॉल करनी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना, चाहे आपका DVD हार्ड डिस्क हो या फिर पेन ड्राइव। तो मेरा ये फर्स्ट पेन ड्राइव है, सैंड डिस्क का भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसलिए ऐसे शो कर रहा है हार्ड डिस्क बूट मैनेजर, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया था। तो जब आप सिलेक्ट कर लोगे तब आपका ऐसे ये देखो बूट मोड सिलेक्ट नहीं है, आपका यहाँ पे UEFI सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो फर्स्ट नंबर पे आपका यहाँ पे आ जाएगा कि आपका सिलेक्टेड हो गया है। ये देखो ये जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पर आपका दिख जाएगा कि मेरा मेरा सिलेक्ट हो गया है और मेरी ये पेन ड्राइव है, ठीक है। तो जो भी आपको विंडो इंस्टॉल कर कुछ भी करना है, आपको पेन ड्राइव के एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हो, पेन ड्राइव हो, DVD उसको यूज़ करें, कुछ भी इंस्टॉल करना है तो आप ऐसे फर्स्ट नंबर पे आपको रखना है, ठीक है। जैसे अगर ये है ये, तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे ला सकता हूँ, अगर मुझे इससे इंस्टॉल DVD से करना है। तो आपको जो भी इंस्टॉल करना है आपको फर्स्ट नंबर पे रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं जैसे क्योंकि मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है, तो आप दोबारा देख लेना, चेक कर लेना, बूट मोड सिलेक्ट UEFI पे है तो आपका सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो गाइज आपको राइट हैंड साइड में एक कट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपने जब कट का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, आपने जो भी चेंजेस किया है ऐसे शो कर देगा। तो आपको सिंपली सेव एंड एग्जिट करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ मिलेगा। सो गाइज सेव एंड एग्जिट के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, सो हियर इज अ स्टेप टू इंस्टॉल अ विंडो 10। सो प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड नॉइज़, यू जस्ट फॉलो द स्टेप आई एम गोइंग टू टेल यू। सो हियर आई एम गोइंग टू इंस्टॉल अ विंडो 10, जस्ट क्लिक इन इंस्टॉल, इट्स अ सेटअप इज स्टार्टिंग। तो इट इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो जनरली वी यूज़ विंडो 10 होम, हम विंडो 10 होम ही यूज़ करते हैं। आई ऑल्सो गो विथ विंडो 10 होम, तो नेक्स्ट एंड सो हेयर आई एम एक्सेप्टिंग द लाइसेंस टर्म एंड नेक्स्ट। नाउ इट इज आस्किंग हाउ वुड यू लाइक टू इंस्टॉल अ विंडो और सिक्योरिंग योर ओल्ड डाटा वीडियोज, जो भी आप सिक्योर आप चाहते हो या फिर आप कस्टमाइज करके जाना चाहते हो कस्टम से। तो मैं तो ये कहूँगा कस्टमाइज करके जाओ, क्योंकि आप उससे अपने जो भी फाइल्स है उसको आप फॉर्मेट कर सकोगे, बिल्कुल न्यूली विंडो इंस्टॉल होगी। ओके तो हम नॉर्मली कस्टम से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे आपके पास यहाँ पे देखो जितनी भी आपकी हार्ड डिस्क है, जितने भी आपके स्पेस है, वो सारे आ जाएंगे, ड्राइव पार्टीशन 1, ड्राइव पार्टीशन 2 3 4 5। तो अगर आप इसको सारा आप फॉर्मेट करना चाहते हो सारा, तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हो ऑल, और आप एक किसी पर्टिकुलर को करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मेरा ये देखो, मैं सभी फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लूँगा और यहाँ पर फॉर्मेट कर दूंगा, ठीक है। ओके फॉर्मेट फॉर्मेटेड हो गया, मैं इसको इसको भी लूँगा और इसको भी फॉर्मेट कर दूंगा, ये भी हो जाएगा फॉर्मेट। सॉरी वेट, आई मीन इट टेक अ लिटिल टाइम, यस इट्स डन। अब मुझे एक पर्टिकुलर पे इंस्टॉल करना है, तो मैं ये इसी पर लूँगा बस। आई थिंक दिस वन इज माई SSD ड्राइव, हाँ आई थिंक। ये प्राइमरी मतलब ये होता है कि आपका जो ऑटो सिलेक्टेड जिस पे आपका पहले से ही इंस्टॉल होगा विंडो, ओके तो प्राइमरी मीन्स यही होता है, तो इसी पे नेक्स्ट करेंगे। तो नाउ यू कैन सी अब विंडो इंस्टॉल होने लगा। अब यहाँ पे जो भी स्टेप्स आएंगे, जो बीच में आते हैं, कुछ होते हैं स्टेप्स जो आपको आपको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा कि कोई और, क्योंकि विंडो इंस्टॉल होने के जब प्रोसेस होता रहता है इस टाइप का, तो कुछ ना कुछ टाइप का आ जाता है, तो उसे यस नो करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो वैसे कोई वीडियो इंस्टॉल नहीं किया, मैंने सोचा कर लेता हूँ यार, एक वीडियो ही बन जाएगी, तो मैं कर रहा हूँ,
बाकी बैकग्राउंड नॉइज आए तो सॉरी। आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहे हैं, जैसे 100% हो जाएगा इट विल बी इंस्टॉल्ड, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस यही था, यहीं तक कि ये वीडियो है। तो ओके okay.